बात साल 2012 की है, जब एनरिका लेक्सी नाम के इतालवी पोत पर सवार दो इटालियन नौसैनिकों ने भारतीय पोत सेंट एंथोनी पर सवार दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के घटित होने के समय मछली पकड़ने वाला पोत भारतीय जल क्षेत्र की सीमा में था। ऐसे में यह अपराध भारतीय कानूनों के प्रावधानों के तहत आता है। इस प्रकार भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों ने एनरिका लेक्सी पोत पर तैनात दोनों इटालियन नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस समय उन पर कोई मुकदमा नहीं दायर किया गया था। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इटली के नौसैनिकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें यह गलतफहमी हुई थी कि वे दोनों मछुआरे समुद्री लुटेरे हैं और उन्होंने गोली चला दी। इस घटना के 3 वर्षों बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी यानी ITLOS के समक्ष इटली ने याचिका दायर कर कहा कि भारत इस संबंध में चल रहे सभी मुकदमों को रोक दे और दोनों इटालियन नौसैनिकों को वापस भेज दे। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने नौ परिवहन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002 को लागू कर दिया। वहीं जांच एजेंसी NIA ने भी दोनों इटालियन नौसैनिकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी बीच 2015 में ITLOS यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी ने निर्णय दिया कि भारत और इटली के इस मामले के संबंध में घरेलू स्तर पर चल रहे सभी मामलों को निलंबित किया जाए और साथ ही साथ यह भी कहा कि इस मामले में दोनों देश कोई और कदम न उठाएं। ITLOS के इस निर्णय के बाद इटली ने इस मामले को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने उठाया। आपको बता दें कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी PCA राज्यों के बीच मध्यस्थता और विवाद समाधान के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1899 में हुई और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। PCA ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में भारत के पास इटालियन नौसैनिकों पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे दोनों व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि एक राष्ट्र की ओर से कार्य कर रहे थे। PCA ने यह भी माना कि भारत के नेविगेशन की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिससे भारत मुआवजे का हकदार है। भारत सरकार इसे स्वीकारते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एनरिका लेक्सी विवाद से संबंधित सभी मामलों को निलंबित करने को लेकर सूचित कर चुकी है। यह निर्णय इटालियन नौसैनिकों पर भारत में आपराधिक मुकदमा चलाने की उम्मीदों पर झटका है। भारत के लिए यह मामला वैधानिक और राजनयिक क्षेत्रों में अनुभव देने वाला रहा, जिसका उपयोग भविष्य में ऐसी परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। महत्वपूर्ण टॉपिक और बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।